गुड मॉर्निंग यू गाइस, आज मैं जा रही हूँ आनी, मुझे कुछ काम भी है और मुझे अपने स्कूल फ्रेंड्स से मिलना भी है, तो अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ और बस आने वाली है, तो मैं बस में जाऊँगी। मैं आपको आनी भी दिखाऊँगी कि आनी एक्सप्लोर करेंगे हम, तो चलिए, और बहुत ठंड भी है, चलिए चलते हैं। तो चलिए चलते हैं, और मेरी बस भी आ चुकी है और इसमें फटाफट से बैठते हैं और सफ़र का मज़ा लेते हैं। वैसे अगर आप हिमाचल आए और आपने सरकारी बस में सफ़र नहीं किया तो आप क्या ही हिमाचल आए, क्या ही आपने ट्रैवल का मज़ा लिया। ये ब्लॉग तब का है जब मैं घर पे थी और बर्फ़ पड़ी थी, उससे दो दिन बाद का ब्लॉग है ये। तो ये ब्लॉग पहले आना था फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज वाले ब्लॉग से, बट इसमें कुछ टेक्निकल इशू आ रहा था, इसीलिए पहले फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज वाला ब्लॉग अपलोड करा। जो भी हो, आप बस इस ब्लॉग और इस सफ़र का मज़ा लीजिए। और हम पहुँच चुके हैं रानाबाग। और ये है शवाड, पहाड़ों में ऐसे ही तंग सड़कें और रास्ते होते हैं और बहुत ही एडवेंचरस और स्कैरी भी होता है। देखिए कैसे इतने पास पास बस जो है पास हो रही है, और हिमाचल के ड्राइवर्स को तो मानना पड़ेगा। और ये हम पहुंच चुके हैं नगान। ये आनी की बाउंड्री लग चुकी है, अभी हम किरण बाज़ार में पहुंचे हैं। सुबह का टाइम था, मैं 8:30 बजे पहुंची थी, इसीलिए सब शॉप्स सब कुछ बंद पड़ा था और बहुत ज़्यादा ठंड थी। जो आपको सामने दिख रही है कॉलोनी, ये है खोबड़ा। पुल से उधर सभी ऊपर से लेकर नीचे तक खोबड़ा बोलते हैं यहाँ। और ये है ओल्ड बस स्टैंड आनी। बस से मैं उतर चुकी हूँ और अब चलते हैं सीधे घर, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। सो गाइज, मैं आनी पहुंच गई हूँ। वैसे मैं तुम्हें सुबह 9 बजे पहुंच गई थी, पर उस टाइम बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो मैं फटाफट बस स्टैंड में उतरी और सीधे यहाँ घर आ गई, और आराम से हीटर पे सेक साग के ब्रेकफास्ट करके अब मैं वापस नीचे जा रही हूँ। मुझे साइबर कैफ़े में थोड़ा काम है और एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में भी थोड़ा काम है, तो और मेरी फ्रेंड्स भी आ गए हैं और उनसे भी मैं मिल लूँगी। फर्स्टली मैं आपको जो यहाँ मेरे घर से आने में व्यू है वो दिखा लेती हूँ। नीचे खड बहती है, तो खड से पार जो है मिशन कॉलोनी बोलते हैं, जो खड से ऊपर से लेकर नीचे तक है उसको मिशन कॉलोनी बोलते हैं, और खड से इधर जो है इसको नालदेरा बोलते हैं। और मैक्सिमम जो आनी के गवर्नमेंट ऑफिस है वो यही हैं, जैसे ये ब्लॉक ऑफिस है, ऊपर तहसील है, नीचे पुलिस स्टेशन है और कोर्ट भी नीचे है, तो या और वो मेरा स्कूल है, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल आनी। तो या तो अभी चलते हैं बाज़ार, मैं अपना काम कर लेती हूँ और आपको थोड़ा स्नीक पीक दूँगी बाज़ार का, मैं आपको दिखाऊँगी। तो मुझे कॉल जा रहे हैं, जाना पड़ेगा नहीं तो डांट पड़ेगी सबसे कि कहाँ रहेगी। चलिए चलते हैं। और बाय द वे, अगर आनी में किसी को रूम चाहिए तो मेरे घर में सिंगल रूम और डबल रूम बहुत खाली है। ये है नया हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल खुला है आनी में, पुराने बस स्टैंड के साथ ही है।
जब मैंने आपको सुबह पुराने बस स्टैंड की क्लिप लिखाई थी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था ना, शॉप्स खुली थी। अब देखिए, और ये है राजा रघुवीर सिंह स्टेडियम। यहाँ पे जो लवी मेला है वो भी होता है और वो नवंबर में होता है। ये है आनी का न्यू बस स्टैंड। और ये हम लोग कुछ खाने गए थे और ये नया प्लेस खुला है आनी में, न्यू बस स्टैंड के साथ ही है। एम्बियंस और फूड भी काफ़ी अच्छा था, आप लोग अगर जाना चाहे तो जा सकते हैं। शाम के बज चुके हैं 4 और हम चल पड़े हैं घर। आनी से पीछे एक जगह पड़ती है दुगरी मोड़, जहाँ पे गुज्जर रहते हैं और उनके इतने प्यारे से झोंपड़े और भैंसे। मुझे ये प्लेस बहुत अच्छा लगता है। बज रहे हैं 5:30 और मैं घर पहुँच चुकी हूँ, बस से उतर चुकी हूँ। Hey guys, तो मैं बहुत थक चुकी हूँ और मेरे पीछे सामान सारा फैला पड़ा है, बिकॉज मैं 10 महीने बाद वापस शिमला जा रही हूँ। मैं शिमला में स्टडी करती हूँ, मैं वापस जा रही हूँ कल। The next day. सुबह 5:30 बजे चल पड़े हैं हम शिमला की ओर, बट आधे रास्ते तक मुझे पापा छोड़ने गए थे, उसके बाद मुझे बस में जाना था। उस दिन सुबह बहुत ठंड थी और मैं अपनी फ्रेंड के साथ जा रही थी बस में। ये है मेरी फ्रेंड मुस्कान और हम साथ शिमला जा रहे हैं और ये चल पड़े हैं हम शिमला की ओर। उस दिन नारकंडा बंद था क्योंकि बर्फ़ की वजह से, इसीलिए हम बाया सुन्नी होके शिमला गए। अगर हम नारकंडा होके जाते तो आप लोगों को व्यू भी दिखाती। और ये साथ में सतलुज बह रही है। अब आपको थोड़ी थोड़ी बर्फ दिख रही होगी क्योंकि हम मशोबरा पहुंचने वाले हैं। लिटरली 10 महीने बाद शिमला, घर की याद भी आ रही थी बट एक्साइटमेंट भी थी इतने टाइम बाद शिमला जाना। और ये है शिमला का ट्रैफिक जो कभी नहीं हट सकता। होपफुली आपको ये ट्रैवल ब्लॉग पसंद आया होगा। मेक श्योर मेरी वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।